टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाई स्क्वायर टेस्ट। ओके, इसको टाई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक स्मॉल टेस्ट देखा, स्मॉल टेस्ट देखा। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाई स्क्वायर टेस्ट। ओके, इसका ये सिंबल है ऐसे कर देने का, ऊपर स्क्वायर लिख देने का। ओके, अभी टाई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? टाई स्क्वायर टेस्ट ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब क्या? हम लोगों ने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में देखा है कि स्मॉल सैंपल टेस्ट में हम लोग मेन देखते थे, सैंपल मेन, पॉपुलेशन मेन, पॉपुलेशन एस बी, सैंपल एस बी, ये सब नोटेशंस हम लोग वहाँ पे यूज करते थे, तो उसको पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। टाई स्क्वायर टेस्ट है नॉन पैरामेट्रिक है। नॉन पैरामेट्रिक मतलब क्या? इसमें हम लोग मेन एस बी कुछ भी यूज नहीं करेंगे, खाली डेटा दे रहा रहेगा। ओके, और ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है वो हम लोगों को बता देने का। यहाँ पे कोई मीन नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई एस बी नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं रहेगा, मीन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो टाई स्क्वायर टेस्ट इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली आप लोगों को एक कॉलम ऑब्जर्वेशन दिया रहता है और एक रो में ऑब्जर्वेशन दिया रहता है। मतलब दो टाइप का डेटा दिया रहता है, एक कॉलम में रहेगा, एक रो में रहेगा, और ये दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है क्या नहीं वो हम लोगों को फाइंड आउट करके बताने का है। ओके, खाली डेटा दिया रहेगा कॉलम में और रो में, मतलब यहाँ पे है अफेक्टेड नॉन अफेक्टेड, यहाँ पे इनवोकुलेटेड नॉन इनवोकुलेटेड, मतलब ये दोनों का रिलेशन। इनवोकुलेटेड मतलब क्या? वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लिया है कि नहीं। ओके ओके, तो ये दोनों का रिलेशन है कि नहीं ये सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे बता देने का है, तो हम लोग ये बाय यूजिंग टाई स्क्वायर टेस्ट से बता सकते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग क्या लिखते हैं? एच जीरो, नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या लिख देने का? ओके, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपका फिक्स है, वो है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब क्या? रो का डेटा और कॉलम का डेटा, इसको एट्रीब्यूट बोलेंगे। मतलब अफेक्टेड नॉन अफेक्टेड, इनवोकुलेटेड नॉट इनवोकुलेटेड, इसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलेंगे। ओके, टाई स्क्वायर का कौन सा भी एग्जांपल रहने दो, आपका नल हाइपोथेसिस ये फिक्स है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट। मतलब नल हाइपोथेसिस में यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं? ये जो कॉलम डेटा और रो डेटा, कॉलम डेटा और रो डेटा है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, मतलब ये इनका एक दूसरे के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है। तो अल्टरनेटिव एच ए क्या रहेगा? एच ए क्या रहेगा? देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट। तो एच ए में क्या होता है? ये दोनों का रिलेशन है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे? बता देंगे। ओके, आप लोगों को मालूम है नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम लोग जो भी लिखते हैं उसका अल्टरनेटिव में होता है। यहाँ पे नो कर देने का मतलब नल हाइपोथेसिस में एसोसिएशन नहीं है दोनों में, यहाँ पे दोनों में एसोसिएशन है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, देन सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाला होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। उसमें हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशंस वाला पार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे टाई स्क्वायर का फॉर्मूला है, टाई स्क्वायर का फॉर्मूला है, ओके, ओ माइनस ई ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय ई। अभी ये क्या होता है? ओ मतलब होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओ फ्रीक्वेंसी, ई फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये दो वैल्यू आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये गिवन टेबल में जो भी दिया है आप लोगों को, उसको ओ वैल्यू बोलेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू बोलेंगे। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? ई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ई को क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर ये ओ मालूम रहेगा, ई मालूम रहेगा, ये कैलकुलेशन करो, आप लोगों को टाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो टेबल है, ये जो वैल्यू है, टोटल को कंसीडर नहीं करने का, टोटल को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 1, 2, 3, 4, ये फोर वैल्यू कौन सा वैल्यू है आपका? ऑब्जर्व वैल्यू है। तो ऑब्जर्व वैल्यू को लेके हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? ये फिर से टेबल बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका अफेक्टेड, यहाँ पे नॉट अफेक्टेड, फिर यहाँ पे रहेगा टोटल, ये हेडिंग सेम लिख देने का, यहाँ पे इन वो कुलेटेड, नेक्स्ट नॉट इनवोकुलेटेड, और लास्ट में रहेगा अपना
टोटल, ओके ये है अपना टेबल। ये अपना न्यू टेबल है। ओके ये टेबल से मुझे e का वैल्यू मिल जाएगा। e मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होता है। ओके और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आप लोगों को जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें दिया रहेगा। अभी e का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 267 का e वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए 267 का रो टोटल, 267 का कॉलम टोटल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब 294 × 1024 upon ये ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल किसको बोलते हैं, टोटल का टोटल, उसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं, 1206। ओके क्या किया मैंने, 267 का रो टोटल इंटू उसका कॉलम टोटल, ये रो टोटल ले लो, यहाँ पे कॉलम टोटल ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और ग्रैंड टोटल से डिवाइड करो। तो इसका आंसर आप लोगों को, इसका आंसर जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 294 × 1024 / 1206। इसका आंसर होता है 249.63। इसको राउंड फिगर में चेंज करके 250 मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी राउंड फिगर में चेंज करने का है, पॉइंट में नहीं लिखने का है। ओके नेक्स्ट, अभी ये वैल्यू, ये टोटल सेम रहेगा, यहाँ पे 294, यहाँ पे 912, ये 1206, ये नीचे 182, यहाँ पे 1024। टोटल में कोई चेंजेस नहीं होता है, टोटल सेम एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन में जो दिया है टोटल वही टोटल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में भी रहेगा। अभी मुझे ये बताओ ये नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगा, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन मत करो। ओके ये ऐसा रो टोटल इंटू कॉलम टोटल, एक वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू हम लोग वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, इतना कर दो फर्स्ट इससे। ओके अभी ये वैल्यू कैसे मिलेगा मुझे बताओ, ये टोटल 294 में से 250 माइनस कर दो, 294 माइनस 250 उसमें से माइनस करो, आप लोगों को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 44 मिल जाएगा। क्या किया मैंने, यहाँ पे 294 माइनस ये 250 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों का एडिशन तो 294 है ना, तो 294 में से 250 को माइनस कर दो, सीधा 44 आप लोगों को मिल जाएगा। ये वैल्यू कैसे मिलेगा, 1024 माइनस 250 कर दो, आपको 774 मिल जाएगा। ये वैल्यू कैसे आएगा, या तो 912 माइनस 774 कर दो, या 182 माइनस 44 कर दो, तो यहाँ पे आप लोगों को 138 मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉलम टोटल ये आना चाहिए, ये कॉलम टोटल 182 आना चाहिए, रो का टोटल ये आना चाहिए, ये रो का टोटल 912 आना चाहिए, टोटल का टोटल 1206 होना चाहिए, क्योंकि टोटल में कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग, खाली ये चार वैल्यूज है ना, अंदर का फोर वैल्यू उसको ही कैलकुलेट करेंगे। ओके तो ये अपना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल क्लियर हो गया। अभी कैलकुलेशन यहाँ पे ओ लिख देंगे, यहाँ पे ई लिख देंगे, और अपना कैलकुलेशन टाई स्क्वायर का फॉर्मूला है, ओ माइनस ई ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय ई। अभी ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 267, 27, ये फोर वैल्यू। ओके मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 267, 27, 757 एंड 155। ओके देखो अभी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने ये फॉर्मेट में लिखा है 267, उसके बाद 27,
267 का ई वैल्यू क्या है 250, तो यहाँ पे आपका 250 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट 27 का ई वैल्यू क्या है 44, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। सीरियली लिख देने का है। यहाँ पे 757 का ई वैल्यू क्या है 774 है, तो यहाँ पे 774। और लास्ट वाला क्या है आपका 138। ये हो गया हमारा ओ वैल्यू, ये हो गया हमारा ई वैल्यू। ओके अभी क्या करेंगे, ओ माइनस ई ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो, मतलब 267 माइनस 250 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय 250, आप लोगों को आंसर 1.15 मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आंसर आपका 6.56, नेक्स्ट आंसर है आपका 0.37 और नेक्स्ट आंसर है आपका 2.09। ओके ये हो गया आपका ओ माइनस ई ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय ई, लेकिन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे समेशन है। समेशन मतलब क्या, ये पूरे वैल्यू का एडिशन, तो ये फोर वैल्यू को ऐड करो आपको टाई स्क्वायर मिल जाएगा। ये फोर वैल्यू को ऐड करो आपको टाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 10.17। ये टाई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गया 10.17। थर्ड वाला पार्ट हम लोग क्या लिखते हैं, थर्ड में लिखते हैं हम लोग LOS। LOS मतलब क्या होता है, अल्फा होता है। ओके अल्फा मतलब क्या होगा आपका, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सर जयेश वेटिंग में है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा सर। अल्फा मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू कितना होता है 5% दिया नहीं रहेगा तो हम लोग 5% लेते हैं, 5% मतलब 0.05। फोर्थ वैल्यू क्या होता है हम लोगों का, क्रिटिकल वैल्यू होता है। क्रिटिकल वैल्यू मतलब वो कहाँ से आता है, क्रिटिकल वैल्यू मतलब टेबल वैल्यू होता है। ओके तो वो टेबल में से हम लोगों को मिलता है, तो क्या लिख देने का, क्रिटिकल वैल्यू द टेबल वैल्यू, द टेबल वैल्यू ऑफ टाई स्क्वायर एट 5% LOS विथ DOF, DOF मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का यहाँ पे फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का यहाँ पे फॉर्मूला है R minus 1 C minus 1। ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है यहाँ पे टाई स्क्वायर में, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है R minus 1 C minus 1। R मतलब क्या होता है रो, और कॉलम C मतलब क्या होता है कॉलम। तो आपके टेबल में कितना रो और कितना कॉलम है, इनवोकुलेटेड नॉट इनवोकुलेटेड दो रो, अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड दो कॉलम, टोटल को कॉलम और रो में कंसिडर नहीं करने का। ओके तो यहाँ पे मेरे पास 2 रो एंड 2 कॉलम है, तो 2 minus 1 2 minus 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 1 is। ओके अभी टेबल में देखेंगे, टाई स्क्वायर टेबल, टाई स्क्वायर टेस्ट का एक अलग टेबल है। ओके ये टेबल है टाई स्क्वायर टेस्ट का। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा है 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला हम लोगों को, 1 मिला। तो ये फर्स्ट कॉलम आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है, ये 5% 1% का ऊपर रहता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 उसमें 5% मतलब 3.841, ये मेरा टेबल वैल्यू है 3.841, तो यहाँ पे 3.841। ओके और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, डिसीजन लिखते हैं। डिसीजन कैसे आएगा, डिसीजन क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू दोनों को कंपेयर करो। ओके अगर टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है तो नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्टेड करते हैं। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इक्वल टू 10.17 इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इक्वल टू 3.841, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ओके ये हम लोगों ने 2 to 3 लेक्चर में देखा भी है। ओके स्मॉल सैंपल में देखा है। ओके
टेबल वैल्यू से अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होता है तो जो भी हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस मतलब एच जीरो एज्यूम किया है उसको रिजेक्ट करेंगे. जब टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू कम रहेगा कम तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड. मतलब इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया. रिजेक्ट हो गया मतलब एच जीरो, ये एच जीरो था अपना रिजेक्ट हो गया तो एक्सेप्ट क्या करेंगे, एच ए करेंगे ना. ये एक रिजेक्ट हुआ तो अल्टरनेटिव वाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना. मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट. मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है उनका एक दूसरे के साथ एसोसिएशन है, मतलब रिलेशन है. ऐसा ही ये डेटा फेक नहीं है, इनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई तो रिलेशन है. ओके okay?